बलरामपुर जिले के सामरीपाट के ग्राम बहेरा टोली में करीब 7 वर्ष पूर्व 5 नाबालिग सहित 9 लोगों की टांगी से मार के हत्या करने वाले आरोपित को रामानुजगंज जिला सत्र न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश अच्युत पटवर्धन की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार 35 वर्षीय ग्रामीण पांडुराम नगरी हमेशा गुस्से में रहता था। 3 मार्च 2013 को उसने पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई। घटना दिवस 4 अप्रैल 2013 को आरोपित पांडुराम घर पर अकेला था। दोपहर 12:30 बजे अचानक उस पर सनक सवार हुआ और वह घर से अपने हाथ में टांगी लेकर बाहर निकला। उसके सामने जो भी आता उसे मारता चला गया। उस समय घर के बाहर पड़ोस की मचकी बाई उम्र 50 वर्ष जो चटाई बीन रही थी, उसी के पास कलंगी बाई उम्र 60 वर्ष बैठी हुई थी, दोनों की टांगी से मार के हत्या कर दी। कुछ ही दूरी पर स्थित हैंडपंप से पानी भर रहे ललकी नगेसिया 60 वर्ष और उसकी 4 साल की नाबालिग नतनी को भी मार दिया। उसी हैंडपंप के पास खेल रहे 3 वर्षीय बालिका को भी उसने टांगी से मार के हत्या कर दी।